अनुभव सिन्हा की ओटीटी डेब्यू सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक ने पूरे देश को सहमा दिया था। इस सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा समेत कुल 113 किरदार हैं। यह सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। साल 2020 में ऑन एयर हुआ टीवी शो अनुपमा पिछले 4 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से खबर आ रही थी कि अनुज और अनुपमा इस शो को छोड़ सकते हैं, जिस पर हाल ही में राजन शाही ने रिएक्ट किया है। शो के निर्माता राजन शाही ने पुष्टि की है कि ये खबर पूरी तरह से गलत है और रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना दोनों शो का हिस्सा है। निर्माता आनंद एल राय ने तनु वेड्स मनु 3 को लेकर अपडेट दी है। फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा, कहानी पर काम कर रहे हैं और जब तैयार होगी तब शुरू करेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वरुण सोपती और सुविंदर विक्की की वेब सीरीज कोहरा के दूसरे सीजन की घोषणा की है। मोना सिंह भी सीरीज में नजर आएगी। शूटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में ने बॉक्स ऑफिस पर मंदी का सामना किया है। सोमवार को फिल्म की कमाई लाखों में आ गिरी। इसके बावजूद फिल्म ने अब तक घरेलू और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस नहीं किया है। साउथ के अभिनेता और यूट्यूब सेंसेशन बिजली रमेश का निधन हो गया है। उन्हें रजनीकांत के साथ फिल्मों में काम करने की इच्छा थी लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। रमेश की लिवर संबंधी बीमारी से जूझते थे। अमर कौशिक की डायरेक्टोरियल फिल्म स्त्री 2 फीट ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की एक्टिंग ने लोगों को खूब पसंद आई है। वहीं ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी आगे बढ़ रही है। इसके ऑफिशियल आंकड़े शेयर किए गए हैं और इससे पता चलता है कि स्त्री 2 फीट की सफलता अभी थमने का नाम नहीं लेगी।